Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का testbook.com के ऑफिशियल चैनल पर मैं ऋतुराज अवस्थी और आज सुबह को 11 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है एसएससी सीएचएसएल का मॉडल पेपर आप सभी को पता है कि एग्जाम आने वाला है एग्जाम नजदीक है तो आज उस पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चार मॉडल पेपर करवाऊंगा राइट चार मॉडल पेपर करवाऊंगा ये आपको क्या करना है ये आपको क्या करना है पढ़ लेना है और मैं आपको ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करके करवाऊंगा क्योंकि तो चार हमने यहाँ पर क्या रखे हैं पेपर रखे हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या करिएगा अपना स्कोर देखते रहिएगा राइट हर पेपर के बाद आप अपना क्या करेंगे स्कोर बताएंगे ठीक है नरेंद्र जी आप मत बताइए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ठीक है ना इट्स गुड फॉर यू तो यहां पर देखिए सबसे पहले व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टूडेज क्लास आज की क्लास का एजेंडा क्या है आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर राइट right, मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे अगर हम टोटल क्वेश्चन देखें तो टोटल हंड्रेड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे राइट इन हंड्रेड क्वेश्चन के मैंने चार मॉडल पेपर बनाए हैं चार मॉडल पेपर कौन कौन से जो आपके चूँकि ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला जो आपका पेपर वन होगा ये पेपर वन वन टू ट्वेंटी फाइव राइट right, एक से पच्चीस तक होगा दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो पेपर टू जो रहेगा ये ट्वेंटी सिक्स से लेकर के फिफ्टी तक जाएगा तीसरा पेपर जो है ये फिफ्टी वन से लेकर के सेवेंटी फाइव तक जाएगा राइट और चौथा पेपर यहां पर जो है ना ये सेवेंटी सिक्स से लेकर के हंड्रेड तक जाएगा तो हर पच्चीस सवाल के बाद मैं आपसे पूछूंगा उन पच्चीस सवालों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं राइट right. उन 25 सवालों में से कितने क्वेश्चन यहां पर सही आपने किए हैं इस पर मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें कि आपको मतलब क्या करना है बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ताकि आप ये एनालाइज कर सको कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है ठीक है आगे बढ़े उससे पहले देखिए आप सभी के लिए एक ये एक बात है मेरी तरफ से आ, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है राइट अगर एक कहावत कही जाती है यू हैव टू डू मोर इफ यू वॉन्ट मोर अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से जो एफर्ट है वो भी ज़्यादा लगानी ही पड़ेगी राइट क्योंकि आप जो करते आए हैं अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे तो आपका उतना ही मिलेगा जितना कि हमेशा से मिलता रहा है और एक चीज़ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये अगर आप भी सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे ऑलवेज बी पॉजिटिव आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता राइट चलते हैं और सबसे पहला जो मॉडल पेपर है अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से 25 के बीच में जो रहेगा राइट right? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी होस्ट टू इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर सर्विस एनिमल इंक्लूडिंग द डॉग हॉर्सेस एंड म्यूल्स कुत्तों घोड़ों और खच्चरों सहित सेवा पशुओं के लिए भारत के पहले युद्ध स्मारक की स्थापना कहां पर होगी ऑप्शन आपके सामने है आगरा मेरठ सुल्तानपुर और मथुरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा देखो प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे मार्च में मार्च में जो एग्जाम हुए थे उससे पहले मैंने 200 क्वेश्चंस के सेशंस लिए थे वो एक बार जरूर देख लेना क्योंकि प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे आपके 17, 18 और 19 मार्च को सी एच एस एल का उसमें अगर हम देखें तो मैंने जो वो 200 क्वेश्चन वाली क्लासेस ली थी उनसे एज एट इज क्वेश्चन पूछे गए थे एज एट इज क्वेश्चन पूछे गए थे, थे राइट तो आप वो जरूर देखिएगा एंड आई प्रॉमिस आज का सेशन देख करके जाइए आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मतलब ये क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं टू वर्ड योर सिलेक्शन ओके तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है राइट right आंसर यहां पर हो जाएगा मेरठ ठीक है अगले क्वेश्चन से मैं आपको 20 सेकंड का टाइमर भी दूंगा मेरठ इसका राइट आंसर कहला जाएगा आप सभी को पता होना चाहिए मेरठ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ये पहला वॉर मेमोरियल सर्विस को एनिमल जो आपके उसमें थे ना उनको क्या करने वाला है होस्ट करने वाला है राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम है राइट नहीं प्रकाश ये जो है ना ये आगे नहीं बढ़ेगा यस उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और अगर स्टैटिक जी के का प्रिपरेशन किसी को करना है स्टैटिक जी के ध्यान नहीं रहता है तो एक नो योर स्टेट करके 9 पीएम में अभी क्लासेस चल रही थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं तो उनको भी देखना स्टेट बाय स्टेट आपके जो नेशनल पार्क वगैरह डैम वगैरह है ये सारे भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे ओके सो गाइस जल्दी से अपना जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क करना है सेशन को शेयर करना है राइट right? मैं आपको दो घंटे में हंड्रेड क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं बिल्कुल शॉर्ट जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें सो इसे हम क्या बोलते हैं हास्य गैस कहा जाता है लॉफिंग गैस के तौर पर जाना जाता है इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज एन इसकी वजह से इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं ये एक्सलेट करती है जो इफेक्ट है इनहेलेटिन करने के मतलब सांस लेने के बाद प्राण शोधक का प्रभाव करती है और जो भी पीड़ा नाशक होते हैं उनको सब चेतना सुनने कर देती है अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन भारतीय राज्य में स्थित है दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केरला उड़ीसा और महाराष्ट्र ओके विनोद कुमार जी कमेंट में अटैच करवा देंगे डोंट वरी गाइस जल्दी से सेशन को शेयर कर दो है ना आपके लिए ये सारी चीजें हैं बट आपको सिर्फ क्या करना है अपना अटेंडेंस मार्क करना है और सेशन को शेयर करना है ओनली समय समाप्त हो चुका है इसके अगर हम सही उत्तर को देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा ओडिशा इसका सही उत्तर होगा देरेंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है ना ये कांधामल कांधामल करके एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में वहां पर सिचुएटेड है इसका हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली थ्री थाउजेंड फिट तीन हजार फिट के आसपास इसका हाइट है राइट और इसका जो टेम्परेचर है दरिंगवाड़ी का यह कई बार जीरो डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है ये एक हिल स्टेशन है जो कहां पर है उड़ीसा में किस चीज के लिए फेमस है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो जिंगर अदरक जिसे हम कहते हैं जिंजर अदरक जिसे हम कहते हैं अदरक की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है राइट right? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया का रैंक क्या है कब के स्केल की बात कर रहे हैं 2020 की राइट right? तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इंटरनेशनल इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी का आईपी इंडेक्स होता है ये इंडेक्स अगर हम देखें तो कितने फिफ्टी थ्री जो ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक्स हैं त्रेपन ग्लोबल इकोनॉमीज इन त्रेपन ग्लोबल इकोनॉमीज के बीच में इसको निकाला जाता है राइट और यहां पर अगर देखें तो इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है एक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसके द्वारा इसे क्या किया जाता है रिलीज किया जाता है अगर आपको जी लिखा हुआ मिले तो भी याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर राइट right, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है और भारत की रैंक अगर हम देखें ट्वेंटी ट्वेंटी में तो क्या थी फोर्टी चालीसवें था भारत इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था सो so, इसका सही उत्तर अगर बताना है आपको समय अपनी रफ्तार से चल रहा है सुंदरबन नीलगिरी गल्फ ऑफ मन्नार नंदा देवी राइट इसके बारे में आपको बताना है ज्यादा समय नहीं हुआ है उम्मीद सिंह जी पांचवें क्वेश्चन पर हैं हम अभी इसका सही उत्तर अगर आप देखें राइट आंसर क्या कहला जाएगा यहां पर देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को 1986 मतलब 1986 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था जबकि सुंदरबन को कब बनाया गया था 1989 1989 में बनाया गया था फिर जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है गल्फ ऑफ मन्नार भी 1989 में बना था राइट और इसके बाद जो नंदा देवी है इसको बनाया गया था 1988 1988 में आप सभी को पता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में हो जाएगा दूसरी तरफ नीलगिरी कहाँ पर आ जाएगा तमिलनाडु केरल कर्नाटका गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है साउथ में और नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड में अगले प्रश्न पर आते हैं पूछा गया है आपसे यहां पर लियो टॉल्स्टॉय ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटर्न बाय द लियो टॉल्स्टॉय कौन सी किताब लिखी गई थी यस yes, आयुष जी सितंबर अक्टूबर में ही होगा इसलिए ये सेशंस आपके लिए स्टार्ट किए गए हैं समय यहां पर देखिए समाप्ति की ओर है राइट आंसर अगर हम देखें इस क्वेश्चन का तो क्या कहला जाएगा इसे हम बोलेंगे वॉर एंड पीस वॉर एंड पीस इसका राइट आंसर रहेगा ये एक नॉवेल था जो कि रशियन ऑथर है रशिया से बिलोंग करते थे लियो टॉल्स्टॉय इनके द्वारा लिखा गया था राइट मोबी डिक अगर हम देखें तो ये हरमन एक राइटर हैं हरमन मेलविले इनके द्वारा इसे लिखा गया था हरमन मेलविले के द्वारा राइट दूसरा यहां पर हम देखें ओडिशी ओडिशी जो है ना ये होमर के द्वारा बुक लिखी गई थी और यूलिसिस यह लिखा गया था जेम्स जॉयस के द्वारा जेम्स जॉयस के द्वारा बुक्स एंड ऑथर्स पर एक क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बनता ही है राइट बुक्स एंड ऑथर पर एक क्वेश्चन बनता ही है आपको पढ़ करके रखनी है एक मैंने सेशन भी लिया था बुक्स एंड ऑथर्स और लिटरेरी क्लास वगैरह पे है ना लिटरेरी अवार्ड वगैरह पे तो वो आप एक बार सेशन को देख लेना अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द डिफिशेंसी इन ह्यूमन बॉडी में लीड टू जैरो थैल्मिया मानव शरीर में कमी सुस्का छिपाक रोग हो सकता है विटामिन सी बी डी और ए डीआरडीओ का भी कोई अपडेट नहीं है इसके मुनीर जी अभी तक अपने पास कोई डेट नहीं है ओके सो गुड मॉर्निंग अनिशा स्टैटिक जीके में क्या लेकर के आए थे मैंने लिटरेरी अवार्ड वगैरह के बारे में करवाया था इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा इसे हम कहते हैं विटामिन ए राइट विटामिन ए हम इसको कहते हैं और विटामिन ए जो है इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है जैरोथैलमिया जिसको हम सुस्का छिपाक रोग कहते हैं एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर आईज जो है आँखें आँखें क्या कर देती हैं आंसू बनाना बंद कर देती हैं टीयर्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं जो पैथोलॉजिक ड्राइनेस जो होता है ये कंजक्टिवा और कॉर्निया इन दोनों जगह पर होता है जिससे कि वो ड्राई थिक और रिंकल्ड हो जाती हैं उसे ही हम जेरोर्मिया कहते हैं अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए को एक और नाम से जाना जाता है दैट बी कॉल्ड द रेटिनॉल इसको हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं मतलब यहां पर कहने का है कि इनके जो आपके ये जो एग्जाम्स हैं इनके जो आपके केमिकल नेम्स हैं ये भी यहां पर आपसे पूछ सकता है राइट right? विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं थायमाइन कहते हैं थायमाइन कहते हैं विटामिन डी विटामिन डी अगर हम देखें सो आप सभी को पता है विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है और इसे हम सनलाइट से मिलता है तो कैसे रिलेट करेंगे कैल्सियम तो ये रिलेट कर लीजिएगा कैल्सी फिर हम इसको क्या बोलते हैं कैल्सी कहते हैं और इसके बाद जो आपका विटामिन सी है इसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड दिस बी कॉल्ड एज द क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है इन विच स्टेट इज आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है गुजरात कर्नाटक कर राजस्थान और हरियाणा विटामिन बी की डिफिशियंसी से देखो विटामिन बी जो है ना उसमें एक नहीं होता है बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं राइट जैसे विटामिन बी वन को थाइमाइन कहते हैं जिसकी कमी से बैरी बैरी रोग होता है विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं जिसकी वजह से स्किन ग्रोथ वगैरह जो बैड रिटार्डेड हो जाती है विटामिन बी थ्री को नाइसिन कहा जाता है जिसकी वजह से पेलेग्रा होता है विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोकोबालामिन कहते हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है राइट सो वो अलग अलग हैं अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है समय समाप्त हो चुका है अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर को देखें तो राइट आंसर हमें यहां पर क्या मिलेगा गुजरात सुरकोटदा सिचुएटेड है इंडस वैली का साइट है जहां पर बहुत सारे हॉर्स के रिमेन्स पाए गए थे घोड़ों के राइट इट इज सिचुएटेड इन गुजरात कालीबंगन अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में तो कोई भी साइट नहीं थी क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन कर्नाटक तक तो गई नहीं राइट right? राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपको काली बंगन करके एक साइट हुआ करती थी ब्लैक बैंगल जिसको कहते थे काली बंगन ये साइट आपको यहां पर मिलेगी हरियाणा हरियाणा में जो साइट है इसे अगर हम देखें तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे बनावली ये यहां पर पाई गई थी राइट इसका साइड आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गुजरात अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द अप्रोक्सीमेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अवर अर्थ इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का जो अनुमानित घनत्व है वो कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है राइट right? ये आपको बताना है द अप्रोक्सीमेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इसका समय यहाँ पर समाप्त हो गया है राइट आंसर अगर हम देखें तो क्या कहला जाएगा आपका 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका सही उत्तर होगा राइट अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है पूरे के पूरे सोलार सिस्टम का जितने भी प्लेनेट हैं उनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है अर्थ की है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम देखें तो कंपेरिटिवली कुछ प्लान से मतलब कम है राइट बट यहां पर अगर हम देखें तो ये डेंसेस प्लेनेट कहलाता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखो अर्थ में एक क्वेश्चन आपसे यहां पर बन जाता है अर्थ के इंटीरियर पर कि अर्थ के इंटीरियर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है ये तो आपने सुना ही होगा राइट क्रस्ट मेंटल एंड कोर क्लासिफिकेशन तो आपने सुना ही होगा क्रस्ट मेंटल एंड कोर का लेकिन यहां पर आप देखिए एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है राइट केमिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सियाल सीमा एंड नीफे सियाल सीमा और नीफे ये होता है सियाल क्रस्ट वाला पोर्शन ही कहलाता है सीमा मेंटल वाला और निकल और फेरस पाए जाते हैं कोर में इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं नीफे कहते हैं राइट right, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज एज कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है सियार नहीं है पंकज सियाल एस एल बेकार क्वेश्चन है तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम यहां पंकज बेकार क्वेश्चन है तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो समय सबसे अनमोल होता है, है ना समय सबसे अनमोल होता है तो निकल लो पतली गली से ओके सो यहां पर देखिए समय समाप्त हो चुका है आपका राइट समय समाप्त हो चुका है इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा ग्रेफाइट ग्रेफाइट इसका सही उत्तर होगा कि परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के तौर पे किसको उपयोग नहीं किया जाता है तो ग्रेफाइट अगर हम देखें तो ये कूलेंट नहीं होता है ग्रेफाइट इज नॉट अ कूलेंट कूलेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये यहाँ पर आपके क्या होते हैं यूज़ किए जाते हैं रिमूव करने के लिए हीट को न्यूक्लियर का जो आपका जहां पर की भी एक्सप्लोजन वगैरह होता है उससे राइट right? तो उसके तौर पर ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जाता है ग्रेफाइट कूलेंट नहीं है उसके अलावा ये सारे कूलेंट आपके कहला जाएंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज आर डीम्ड टू बी सर्विसेज क्रिएटेड बाई द पार्लियामेंट अंडर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा निर्मित सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है आर्टिकल 301, आर्टिकल 307, 292 एंड 312 किसके तहत माना जाता है यह आपको बताना है ओके okay, सो so, किसका नाम किसका नाम भाई आदित्य जी अरे पढ़ने पर पहले ध्यान दो है ना जो 25 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसका नाम मैं यहां पे बताऊंगा ठीक है इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा आर्टिकल नंबर थ्री टू आई एस हुआ आई पी एस हुआ जो भी आपके स्टेट सर्विसेज वगैरह हैं तो ये आर्टिकल नंबर तीन सौ बारह के तहत ग्रांट होती हैं और इसकी अथॉरिटी किसके पास है सो दिस अथॉरिटी लाई विद अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट राइट पार्लियामेंट के अपर हाउस मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं राज्यसभा राज्यसभा जिसे हम कहते हैं ये यहां पे लाई करता है राइट right? प्रीवियस सिक्स मंथ का करेंट अफेयर पढ़ना है ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूं राइट right? पिछले छह महीने का करंट अफेयर पढ़ना है ये ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया भारत का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम आपको बताना है नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया सॉरी भारत में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है और कहां पे सिचुएटेड है ये आपको बताना है इसके रिगार्डिंग जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इसका राइट right आंसर हम देखें तो माहे इसका सही उत्तर हो जाएगा माहे भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है पांडीचेरी या पुडुचेरी जिसे कहा गया यूनियन टेरिटरी है ये उसमें सिचुएटेड है इसका एरिया अगर देखें तो नाइन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इस पर्टिकुलर माहे डिस्ट्रिक्ट का 2011 के सेंसस के रिगार्डिंग यहाँ का जो पॉपुलेशन है ओनली 36,000 सिर्फ 36,000 लोग इस पर्टिकुलर माहे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं राइट लेह अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहलाता है और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा कहलाता है गुजरात में सिचुएटेड कच्छ इन टर्म्स ऑफ एरिया अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज डज हरियाणा नॉट से इट्स बॉर्डर निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा अपनी सीमा को साझा नहीं करता है होंगे मैराथन क्लास उम्मीद जी एक चीज ध्यान रखो अगर वही पेपर आना होता वही पेपर आना होता तो सिंपल सा है एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो करेंट अफेयर तो चेंज होगा ही कभी भी अगर हम पेपर की बात करें तो जब पेपर होने वाला होता है उस पेपर से प्रीवियस सिक्स मंथ का करेंट अफेयर हम पढ़ते हैं उस पेपर से प्रीवियस सिक्स मंथ का करंट अफेयर हम पढ़ते हैं राइट अगला इसका राइट आंसर आप देखिए क्या हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज है या स्टेट है जिनसे कि ये आपका शेयर नहीं करता है राइट शेयर नहीं करता है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप पर पुडुचेरी का गाइस जितने भी डाउट है परेशान मत हो सबसे लास्ट में डाउट सेशन दूंगा फिलहाल पढ़ने पर फोकस करो इसका सही उत्तर देखिए तो क्या हो जाएगा ब्यालालू, राइट ब्यालालू इज द प्लेस जहां पर कि अपना क्या सेट कर रहे हैं एक डीप स्पेस नेटवर्क जिसको डी एस एन कहते हैं और एक नेविगेशन सेंटर 2008 में यहां पर स्टेबल किया ये कहां पर है कर्नाटक में जे जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ जे जे थॉम्सन को की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्या चीज इन्होंने खोजा था यह आपको बताना बिल्कुल सारे डाउट नोट कर लो सबसे लास्ट में मैं डाउट सेशन रखूंगा वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एंड जितने लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग गाइज अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिए इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट खोज यहां पे जे जे थॉम्सन के द्वारा करी गई थी इनको नोबेल प्राइज भी इनके लिए मिला था 1906 जीरो की बात है और इसके बाद यहाँ पर इनका जो वर्क था ये आइडिया एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट जो होते थे टिनी पार्टिकल्स के उसके लिए था राइट बट इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इलेक्ट्रॉन के लिए मिला था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी थ्री विटामिन डी थ्री का रासायनिक नाम कौन सा है आदित्य जी आंसर करिए जल्दी से ठीक है इसका सही उत्तर आपको बताना है विटामिन डी थ्री राइट तो समय देखिए समाप्त हो चुका है अगर हम इसका सही आंसर देखें इसे हम क्या बोलते हैं कॉलेकोल विटामिन डी थ्री को कॉलेकफेरॉल कहा जाता है जो आपका फाटोनाइड फाटोन डाइओन फाटोन डाइन है विटामिन के वन किसको बोलते हैं विटामिन बी ट्वेल्व को कहते हैं विटामिन डी टू को कहते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच अमंगार्जेस्ट एस्टेराइड निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा क्षुद्र है एस्टोरॉइड का मतलब यहां पर क्या होता है एस्टेराइड जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ की तरफ आते हैं एभेन एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है कहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं सारे के सारे जो प्लेनेट हैं, उनको सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के रिगार्डिंग क्या करने का याद करने का आप कैसे याद रखेंगे एम वी ई एम जे एस यू एन एम ई एम जे एस यू एन ये हो जाता है आपका मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून तो मार्स और मार्स के साथ साथ आपका जो जुपिटर है इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी पाई जाती है राइट इस एस्ट्रॉइड बेल्ट से ही ये सारे डिवाइड हो जाते हैं इन्हें हम इनर प्लानट कहते हैं रॉकी प्लानट कहते हैं इनको हम उटर कहते हैं कहते कहते हैं, कहते हैं। इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो सेरेस, सेरेस the largest asteroid, सबसे बड़ा है, सेरेस, जो कि यहां पर हमारे प्लानिट सिस्टम में मौजूद है राइट अगर आप सैरस की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 945.2 किलोमीटर नाइन टू किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली क्या है इसका डायमीटर आ जाता है इतना बड़ा एस्टोरॉइड है ओके okay? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन एल निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है प्रोपेनोल प्रोपेनॉल प्रोपीन और प्रोपेनोल जितने भी डाउट है सबसे लास्ट में डाउट ले लूंगा तो आप बिल्कुल यहां पर क्या करिएगा सारे डाउट मुझे बता दीजिएगा है ना तो इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर को देखें राइट आंसर यहां पे कहला जाएगा प्रोपेनॉल एंड एल की बात करी गई है आप सभी को पता है एल का मतलब क्या होता है जिसमें एक जनरल स्ट्रक्चर आर ये आपका कोई मूलक होता है और सी एच ओ राइट आर सी एच ओ यहां पर ये यह हो जाता है तो जब आप प्रोपेनॉल की बात करेंगे तो प्रोपेनॉल देखो मैथ मतलब एक कार्बन एथ मतलब दो कार्बन प्रॉप मतलब तीन कार्बन ब्यूट मतलब चार कार्बन इस तरीके से अपन करते हैं तो प्रोपेनॉल जो है ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ कितने कार्बन हुए वन टू थ्री प्रोप में कितने कार्बन होते हैं तीन तीन कार्बन हो गया क्या बन गया प्रोपेनॉल बन गया राइट right? प्रोपेनल बन गया अब देखो ऑल जब भी लगा हो तो ये किससे रिलेटेड होता है एल्कोहल एल्कोहल राइट एल्कोहल से रिलेटेड होता है तो यहां पर अगर हम ऑल की बात करें जैसे प्रोपेनॉल लिखा है तो प्रोपेनॉल कौन सा होता है यहां पर भी तीन क्या होंगे आपके कार्बन होंगे ये बनेगा आपका सी एच थ्री सी एस टू सी टू ओ एच ओ एच पर एल्कोहल का ग्रुप होता है और सी एच ओ एल डी हाइड का होता है राइट right? प्रोपेनॉन जब कभी ओन लगा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं कीटोन कहते हैं राइट प्रोपे नॉन अगर लगा है तो हम क्या बोलते हैं कीटोन बोलते हैं तो ये प्रोपे नॉन है ये आपका कीटोन कहला जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री और डबल बॉन्ड ओ दिस बी कॉल्ड एज कीटोन इसको हम क्या बोलते हैं कीटोन कहते हैं कार्बन कितने हो गए वन टू थ्री ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा राइट यहाँ पे देखो तीन पर्टिकुलर सीरीजें होती हैं इनको याद रखिएगा आप सारे बना लेंगे सबसे पहले होता है जिसे अपन बोलते हैं एल्केन राइट इसका होता है सी एन एच टू एन प्लस टू दूसरा होता है आपका एल्कीन ये होता है सी एन एच टू एन और तीसरा होता है एल्काइन तो एल्काइन यहां पर होता है सी एन एच टू एन माइनस टू राइट ये दोनों आपके अन कार्बन होते हैं जबकि एलकेचुरेटेड होता है आपको ये याद रखना है मैथ मतलब वन एथ मतलब दो प्रॉप मतलब तीन ब्यूट मतलब चार है ना पेंट पांच हैक्स छ बैक दस ये ध्यान रखिएगा सारे आप यहां पर क्या कर देंगे सारे आप यहां पर आंसर कर ले जाएंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द खारद मॉन्टेसरी सॉरी मोनेस्ट्री लोकेटेड करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा करदांग मठ के बारे में तो आप सभी को पता है कि ये जो मोनेस्ट्री है कहाँ पर सिचुएटेड है लाहौल वैली में सिचुएटेड है लाहौल वैली कहाँ पे आती है हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सिचुएटेड है करदांग विलेज ये आपका कैपिटल कहलाता है राइट लाहौल है ना तो यहाँ पर करदांग विलेज वंस बिकेम द कैपिटल ऑफ लाहौल ये वहीं पर सिचुएटेड है जिसको बोलते हैं करदांग मोनेस्ट्री अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच स्टेट इज द सारहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड सारहुल का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है सारहुल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है सारहुल का जो त्यौहार है ये कहां पे मनाया जाता है ये आपको बताना है राइट right. बिल्कुल इसका अगर आप सही आंसर देते हैं तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो झारखंड इसका राइट आंसर होगा गाइज जल्दी से यहां पर सब लोग अपना जो नए जुड़ रहे हैं अटेंडेंस मार्क है, सेशन को शेयर कर दीजिए मैं प्रॉमिस करता हूं ये हंड्रेड क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हु ए टू जेड राइट इसका सही उत्तर अगर हम देखें झारखंड हो जाएगा झारखंड में अगर हम देखें तो ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जो वहां पे उराओं मुंडा हो ट्राइब्स होती हैं इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है राइट अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं पूछा गया है आपसे यहाँ पर ड्यूरिंग द साउजाओ फेस्टिवल गोवंस प्रेजेंट टू ईच अदर साउजाओ फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है और जब ये गोवा में मनाया जाता है तो गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं भेंट का मतलब होता है गिफ्ट के तौर पे क्या देते हैं बियर फ्रूट फेस और फ्लावर साओजाओ का आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा इसका राइट right आंसर आप देखें तो क्या कहला जाएगा फ्रूट फल जो एक दूसरे को फल दिए जाते हैं उन फलों के क्या करते हैं इस तरीके के ज्वेलरीज बना करके अपने सिर में पहन लेते हैं यहां से क्या पता चला साउजाव फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है और यहां पे फल गिफ्ट किए जाते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काजी नहरुल इस्लाम इज इस द नेशनल पोइंट ऑफ काजी नेहरू इस्लाम नेशनल पोइट कहाँ के हैं ये आपको बताना है काजी नेहरूल इस्लाम नेशनल पोइट कहाँ के हैं इसका आंसर आपको देना है पाकिस्तान बांग्लादेश इंडोनेशिया और अफगानिस्तान सही उत्तर अगर हम देखें यह कहला जाएगा बांग्लादेश बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा ये बंगाली पोइट है राइटर है म्यूजिशियन है और एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशनरी भी रहे हैं राइट और ये आपके जो है ना बांग्लादेश से इनको भारत के द्वारा पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला था 1960 1960 में अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इंडियन स्पोर्ट्समैन लक्ष्य सेन एस प्लेयर, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी है जूडो बैडमिंटन कबड्डी और कुश्ती किसके खिलाड़ी हैं? यह आपको बताना है लक्ष्य सेन राइट आंसर अगर आप इसका देखें तो हो जाएगा बैडमिंटन राइट सभी लोग जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं ये यहाँ पर इनको जानते होंगे राइट लक्ष्य सेन अगर हम देखें तो हाइएस्ट रैंकिंग इनकी 28 थी जो एट प्रेजेंट में है 2019 में इन्होंने जो स्कॉटिश ओपन था उसमें चौथा टाइटल इनके द्वारा लिया गया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का जो पहला वर्किंग प्रोटोटाइप है ये कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है एपी नेट पी ए नेट ए नेट और अर्पानेट क्या होता है इसका जो प्रोटोटाइप है इंटरनेट का यह आपको बताना है राइट तो मैं अगर आपको इसका सही उत्तर बताऊं राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा अर्पा नेट इसको हम क्या बोलते हैं अर्पानेट कहते हैं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसे हम बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क राइट ए आर पी एन ए टी एरपानेट ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पूछा गया है कि कंद्यान डांस इज अ टिपिकल डांस फॉर्म प्रैक्टिस दिन कदियन नृत्य में प्रचलित एक सामान्य नृत्य है कहां पर प्रचलित है यह आपको बताना है इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो ये हमारा जो पड़ोसी राज्य जिसे हम श्रीलंका कहते हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित है यह पर्टिकुलर नृत्य और कडियन अगर देखें तो मतलब ओरिजिनली अगर देखें तो मेल्स यहां पर अलाउ होते हैं जो आपके ट्रेन डांसर्स होते हैं राइट right? जो आपके सैबरल स्कूल्स वगैरह से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अच्छा देखो यहां पर जो है ना आपने 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं मतलब मॉडल पेपर जो फर्स्ट वाला था ये कंप्लीट हो गया है पहले मुझे ये बताओ कितने लोग स्टार्टिंग से जुड़े थे और इन पच्चीस क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इन पच्चीस क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं यह आपको बताना है राइट right, अगर देखो मैं आपको एक वो बोध कि इनमें से अगर आपने 20 से 22 क्वेश्चन किए क्योंकि यहां पर एक आध क्वेश्चन ही था जो टफ था याद रखिएगा सी एच एस एल हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है तो हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे वेरी गुड अभिनव इन्होंने यहां पर ट्वेंटी क्वेश्चन किए हैं वेरी गुड राइट अनिशा ट्वेंटी ट्वेंटी आशीष 19 पर हैं सचिन आर्यन ट्वेंटी टू किए हैं मुस्कान ने है, वेरी गुड मुस्कान सभी लोग जिन्होंने ट्वेंटी या ट्वेंटी से ज्यादा किए हैं वो सबका अच्छा है दूसरे मॉडल पेपर पर आते हैं स्टार्ट होता है यहां से फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वॉज हैल्ड इन ईयर भारत में पहली बार जनगणना या पूर्ण जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी कोई बात नहीं प्रीति इस बार काउंट करिएगा इस बार काउंट करिएगा सारे लोग दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है छब्बीसवें क्वेश्चन से पचासवें क्वेश्चन तक काउंट करिएगा देखते हैं इस बार कितने लोग यहां पर आ, क्या करते हैं कितने लोग यहां पर जो है ना इसका सही आंसर देते हैं सही उत्तर हो जाएगा एटीन एटी फाइव अट्ठारह सौ पचासी यह सबसे पहला पॉइंट था जब भारत में सेंसिस को क्या किया गया था जब भारत में सेंसिस को आयोजित किया गया था आई डोंट थिंक के एटीन ये आपका क्या होना चाहिए एटीन होना चाहिए राइट right? इसको सही कर लेना इसका राइट right आंसर क्या होगा अट्ठारह 1881, 1881 क्योंकि सेंसेस क्या होते हैं डिकेडल डिकेडल का मतलब होता है दसकीय हर दस साल में ये सेंसेस होते हैं राइट right? की होते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1881 एटी वन एटीन एटी यहां पर राइट right आंसर होगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है यस yes. भाई गलती से हुआ राइट आंसर right भारत में जो पहली जो समकालिक जनगणना है देखो सबसे पहला जो जनगणना हुआ था जो एक उसमें देखा तो वो एंसेंट टाइम से ही चला आ रहा था अट्ठारह में एक जनगणना हुई थी जो पहला प्रयास था लेकिन जो पूरी तरीके से डेवलप्ड फुली डेवलप्ड जो हुआ था जो दस की तो ये क्या हुआ था आपका ये 1881, 1881 में हुआ था राइट फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी अठारह में हुई थी एटीन में वो अठारह से बहत्तर के बीच में लोगों को काउंट किया गया था 1872 से उसको इफेक्टिव किया गया था कुमुलेट किया गया था लेकिन जो डिकेडल सेंसेस है जिसको हम दस की कहते हैं तो वह दसकी यहां पर कब से स्टार्ट हुआ 1881, 1881 से ये ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अबुल फजल स्कॉलर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया वॉज इन द कोर्ट ऑफ भारत के मध्यकाल के दौरान विद्वान फजल किसके दरबार में थे तो इसका अगर हम सही उत्तर आप देखिए अकबर अकबर के दरबार में जो नाइन जेम्स या नाइन ज्वेल्स हुआ करते थे ये उनमें से बिलोंग करते थे अब्दुल फजल राइट अबुल फजल ये उनमें से बिलोंग करते थे और अकबर नामा इनके द्वारा ही लिखा गया था जो अकबर के शासन का एक आधिकारिक इतिहास है अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इज इंडिया लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ नेपाल इन टर्म्स ऑफ ट्रू पार्टिसिपेशन सैन्य भागीदारी के अंतर्गत नेपाल के साथ भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन सा है इंदिरा सूर्य किरण वरुण और वोल्ड कुरुक्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है तो इसमें आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा राइट आंसर यहाँ पर क्या कहला जाएगा सूर्य किरण इसका राइट आंसर होगा ये भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है सूर्य किरण जिसे हम कहते हैं राइट इसके अलावा जो इंद्रा है इंद्रा की बात करो तो ये भारत और रशिया के बीच में एक्सरसाइज परफॉर्म होती है वरुण वरुण किसके साथ होती है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए राइट वरुण एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र ये किन के साथ होती है वरुण <coughs> अगर आप सभी को पता होगा तो राइट आंसर यहां पर क्या मिलेगा आपको फ्रांस ठीक है वरुण किससे रिलेटेड है इंडिया और फ्रांस से एंड व्हाट अबाउट द बोल्ड कुरुक्षेत्र ये कहां से रिलेटेड है बोल्ड कुरुक्षेत्र यहां पर किससे रिलेटेड है कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के तौर पे जाना जाता है राइट तो कुरुक्षेत्र यहां पर किससे रिलेटेड है कुरुक्षेत्र अगर हम देखें तो वो कहीं और से हो सकता है लेकिन बोल्ड कुरुक्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो ये भारत और भारत के साथ साथ सिंगापुर इन दोनों का एक बोल्ड एक्सरसाइज है राइट right? इन दोनों का ये एक एक्सरसाइज कहलाता है ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पूछा गया है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट स्टोर मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है विटामिन प्रोटीन फैट और रबी जिसको स्थूल इस खाद्य कहते हैं तो इसका अगर आप सही उत्तर देखते हैं राइट आंसर क्या कहला जाएगा जिसे हम बोलते हैं फैट वसा फैट एक न्यूट्रिएंट होता है जो आपका स्टोर करता है मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम फैट में मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम होता है राइट सबसे ज्यादा एनर्जी आपका पाया जाता है ध्यान रखिएगा फैट जो है आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के साथ होते हैं ये तीन पर्टिकुलर ती, माइक्रोन्यूट्रेंट जो है ना उनमें से एक होते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द धुआंधार फॉल इज फॉर्म बाई द रिवर धुआंधार फॉल को किस नदी के द्वारा बनाया जाता है धुआंधार फॉल को किस नदी के द्वारा बनाया जाता है इसका सही उत्तर अगर हम देखें राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर नर्मदा निवर के द्वारा बनाया जाता है जबलपुर जिसे संस्कार धानी कहते हैं मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है जबलपुर तो जबलपुर के पास ये इनके द्वारा क्या किया जाता है नर्मदा जी के द्वारा वाटरफॉल ये बनाया जाता है धुआंधार और ये धुआंधार इसको क्यों कहा जाता है बिकॉज ये एक वाइट कलर का यहाँ से धुआं निकलता है राइट और साथ ही साथ अगर हम देखें तो धुआं का मतलब होता है स्मोक टाइप का एक निकलता है उसकी वजह से कहते हैं अब इसके बाद अगर आप देखो तो और भी बहुत सारे फॉल है जैसे धुआंधार फॉल में अगर देखें एक हुंडरू फॉल होता है हुंडरू फॉल कहाँ पर है रांची रेखा नदी पर उसको भी हम धुआंधार फॉल कहते हैं फिर एक और धुआंधार फॉल बनता है जॉग फॉल जिसको कहते हैं वो सरावती नदी के द्वारा कर्नाटका में बनता है ध्यान रखिएगा तीन धुआंधार फॉल हैं एक धुआंधार ये भेड़ाघाट कहलाता है नर्मदा जी वाला और सुवर्ण रेखा वाला जो है ना कहलाता है सरावती वाला कहलाता है जॉक फॉल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन इज द नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है हर साल नेशनल टूरिज्म डे के साथ साथ नेशनल वोटर्स डे को भी मनाया जाता है राइट टूरिज्म डे के साथ वोटर्स डे को भी मनाया जाता है मतलब ये दोनों आपके क्या होंगे एक साथ खेला जाते हैं राइट right आंसर आप देखिए ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन का इंपॉर्टेंस है जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का मतलब है पर्यटन मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देना और इसी दिन क्या मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है राइट right? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मैत्री एक्सप्रेस एंड द बंधन एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती हैं म्यांमार पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश किसके साथ जोड़ती हैं यह आपको बताना है बिल्कुल राइट सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बांग्लादेश मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दोनों किसके बीच में चलती हैं भारत और भारत के साथ साथ जो बांग्लादेश है उन दोनों के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता के बीच में चलती है पांच दिन चलती है एक वीक में राइट बंधन एक्सप्रेस जो है खुलना कोलकाता से खुलना के बीच में चलती है और वीक में ये एक बार आती है बांग्लादेश के अगर हम कैपिटल देखें ढाका है करेंसी अगर हम देखें टका है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थर्टी थ्री जिसे बोला गया व्हाट वॉट पर्पज ड्रा वायलेट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सर्व पानी के उपचार का क्या उद्देश्य है राइट right? पानी के अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट या जो आपका परावैगनी उपचार है इसका क्या उद्देश्य आपको बताना है। इट इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ वाटर यस पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस है गाइस जितने लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग अटेंडेंस जरूर मार्क करिए वी आर ऑलरेडी 140 प्लस और सिर्फ 137 लोगों के द्वारा अटेंडेंस मार्क किया गया है सब लोग अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिए इसका सही उत्तर अगर मैं आपको बताऊं राइट आंसर कहला जाएगा इनएक्टिवेट कर देता है किसको वैक्टीरिया को राइट right? और जो यूबी ट्रीटमेंट के द्वारा बैक्टीरिया इनएक्टिवेट होते हैं तो ये आपका जो सनरेज या सनलाइट से आती है उनके थ्रू ये होता है और पानी यहाँ पर डिसइनफेक्टेंट हो जाता है राइट right? मतलब अगर अपन देखें क्या है इसमें एक जर्मी सीडियल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द बुक अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है जनरल विजय कुमार सिंह एडमिरल सुनील लामा एडमिरल सुशील कुमार एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर अगर आप राइट आंसर देखते हैं सही उत्तर कहलाएंगे एडमिरल सुशील कुमार जी जिनके द्वारा यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर लिखा गया था पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा ये 2019 में इस पुस्तक को क्या किया गया था विमोचित किया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए दिए गए प्रमुख रक्षा संबंधी फैसलों पर यह प्रकाश डालती है पुस्तक अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइडेंटिकल प्राइस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ समरूप लागत निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है मोनोपोली प्योर कंपटीशन कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक नो ऑप्शन इज करेक्ट किसका है इसका आपको सही उत्तर बताना है आइडेंटिकल प्राइस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ तो देखो आइडेंटिकल प्राइस अगर हम देखें तो जो प्योर कॉम्पिटिशन होता है अभी जा के आपका आइडेंटिकल प्राइस आपको मिलता है जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं एक साइड मान लीजिए ये क्या है पेप्सी और दूसरे साइड यहां पर क्या हमने रख दिया कोका कोला तो अगर हम पेप्सी और कोका कोला की बात करें ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं परफेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं दोनों बराबर फेमस है राइट right? बराबर फेमस है तो यहां पर इनके प्राइस भी आइडेंटिकल होते हैं और लगभग दोनों के बराबर ही होंगे ूमन बॉडी पार्ट कैन बी कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री ऑफ अवर बॉडी मानव शरीर के कौन से अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है लीवर स्टमक लंग्स और किडनी केमिकल जहां से रिलीज होंगे वही केमिकल फैक्ट्री कहला जाएगा राइट थम्सअप अगर देखें आशीष तो ये प्रोडक्ट होता है ना कोका कोला का प्रोडक्ट है कंपनी कोका कोला है उसके प्रोडक्ट है थम्सअप है ना टेस्ट थंडर इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा लीवर लीवर को केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी कहा जाता है राइट right? ये आपका अगर देखे तो बहुत सारा प्राइम सोर्स है जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कॉम्पोनेंट यहां से रिलीज होते हैं जो मेटाबोलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं दैट्स वाई लीवर को कहा जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ अवर बॉडी हमारे शरीर का केमिकल फैक्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज नॉट एनी रीजनल रूरल बैंक निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के द्वारा कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है सिक्किम एंड गोवा बिहार एंड राजस्थान सिक्किम एंड आसाम मणिपुर एंड नागालैंड इसका सही उत्तर आपको बताना है तो मैं आपको यहां पर जो है ना यहां पर अगर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सिक्किम और गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए गांधी जयंती मतलब सेकेंड अक्टूबर 1975 को सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक हमारे देश में ओपन किया गया था अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 प्रथमा ग्रामीण बैंक था राइट बट अगर हम देखें तो वर्तमान में सिक्किम और गोवा गोवा टूरिस्ट की वजह से बहुत डेवलप्ड है सिक्किम की बात करें तो वहां पर स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ऑलरेडी है तो इन दोनों जगहों पर कोई भी रूरल बैंक नहीं है राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज रूल्ड बाई द वाडियार डायनेस्टी निम्नलिखित में से एक किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था जबलपुर पटना गुवाहाटी और मैसूर वाडियार डायनेस्टी का जो प्रशासन है ये कहां पर था यह आपको बताना है आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे राइट आंसर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा मैसूर मैसूर वाडियार डायनेस्टी या वाडियार डायनेस्टी जो आपके मैसूर किंगडम भी कहलाता है थर्टीन नाइनटी नाइन 1399 से लेकर के उन्नीस सौ सैतालीस तक ये यह यहां पर रहे हैं वाडियार और ये डायनेस्टी कहां से रिलेट करती है मैसूर से रिलेट करती है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था ध्रुव कामनी अप्सरा और साइरस तो देखिए इसका अगर अपन सही उत्तर देखें कि भारत जो है भारत का अगर हम देखें तो यहां पर जो परमाणु रिएक्टर कौन सा है पहला वाला उसे हम बोलते हैं अप्सरा राइट right? अप्सरा यहाँ पर जो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कब बनाया गया था चार अगस्त फोर अगस्त नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को इसे बनाया गया था अप्सरा को इनोग्रेट हुआ था यह ट्वेंटी जनवरी सेवन को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे के द्वारा इसको क्या करा गया था बनाया गया था राइट right? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इज द हॉटेस्ट प्लान इन द सोलार सिस्टम अभी मैंने आपको सोलार सिस्टम के प्लानेट के बारे में बताया कि ध्यान रखिएगा एम वी ई एम जे एस यू एन जे एस यू एन राइट इन दोनों के बीच में एस्टोराइड बेल्ट पाया जाता है तो जो मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरिनस और नेपच्यून इन प्लानट में सबसे जो अगर हम देखें हॉटेस्ट प्लानट कौन सा है हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है राइट right आंसर अगर हम देखें इसका सही उत्तर कहला जाएगा वीनस वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द एंटायर प्लैनेट सिस्टम ये जो टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 465 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर रेंज यहां पर पाया जाता है रोमन गॉडेस जिनका रोमन गॉडेस के नाम पर इसका नाम रखा गया था अर्थ और वीनस दोनों को ट्विन कहा जाता है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं साइज डेंसिटी और मास में एक दूसरे को मिलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोविंग इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर निम्नलिखित में से कौन फूल का एक नर हिस्सा है स्टिग्मा स्टेमन पिस्टल और स्टाइल कौन सा है ये आपको बताना है तो अगर आप इसका सही उत्तर देखें राइट आंसर यहाँ पर क्या कहला जाएगा बी कॉल्ड स्टेमिन पुंकेसर जिसे कहा गया ये इसका सही उत्तर कहला जाएगा फूल का नर हिस्सा पुंकेसर कहलाता है राइट अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है पोलिन ग्रेन्स के द्वारा स्टार्ट होता है तो इसमें यही चीजें जो आपके एंथोर स्टॉल्क वगैरह ये सारे क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं स्टेमन यहां पर फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम आपको बताना है कौन सा है देखिए यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के सही उत्तर की बात करें अगर हम यहां पे डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं ना तो ये आपका ईस्टर्न डायरेक्शन होगा जहां का सबसे मोस्ट पॉइंट कौन सा कहलाता है हैं किबिथू है? कहते हैं द अरुणाचल प्रदेश किबिथू आपका अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है किबिथू के बाद अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं गौहर मोती राइट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो गुजरात में कच्छ में है इसे हम बोलते हैं गौहर मोती जो आपका नदन मोस्ट पॉइंट है नदन मोस्ट पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कोल इंदिरा कोल कहा जाता है और जो आपका सदन मोस्ट पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट राइट right? ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा चारों हो जाएंगे मैं यहां पर देखिए आपको इसका सही उत्तर बताऊं तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा गौहर मोती राइट गौहर मोती वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसके अलावा जो आपके ईस्टर्न वेस्ट ईस्टर्न वेस्टर्न सदन और नदन सारे मैंने आपको बता दिए हैं ध्यान रखिएगा सदन मोस्ट पॉइंट जो अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बिथु अरुणाचल प्रदेश में है नदन मोस्ट पॉइंट सियाचिन रेंज में आता है जिसे हम इंदिरा कोल कहते हैं और गोहर मोती वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कहां पर सिचुएटेड है दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात राइट सो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है नेम दा सिख गुरु हु गुरमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज उन सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरमुखी लिपि विकसित की थी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथू कहलाता है अजय यहां पे उम्मीद जी कह रहे हैं सर छे मंथ पहले भी ऐसा ही हुआ था ये क्या रिपीट होते हैं देखो यहां पे जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं अब मान लो छे महीने पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था इंद्रा कोल के बारे में है ना ध्यान देना बात को तो अगर इस बार पूछ लिया इंद्रा पॉइंट राइट की भी पूछ लिया तो क्वेश्चन टॉपिक वही रहेगा क्वेश्चन आपका बदल सकता है है ना ये आपको ध्यान रखना है इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे गुरु अंगद जी की बात करेंगे गुरु अंगद जी जो है तो ये सिख गुरु थे जिनके द्वारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट को बनाया गया था राइट ये दूसरे सिख गुरु थे और गुरु नानक के बाद गुरु नानक जी के द्वारा सिखिज्म को फाउंड किया गया था गुरु रामदास जी के बारे में अगर हम देखें तो चौथे सिख गुरु थे गुरु हरगोविंद जी आपके छठवें सिख गुरु थे राइट और नानक सिखिज्म कहा जाता है इनको ही गुरु तेग बहादुर जी नौवे सिख गुरु थे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आशीष गोहर मोती होगा जो कक्ष में सिचुएटेड है गुजरात में अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन में पूछा गया है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं ये आपको बताना है तो अगर आप इसका सही उत्तर देखें राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा जिसे हम बोलते हैं ट्वेंटी टू बाईस बोन है मानव की खोपड़ी में जो सिचुएटेड होती है ह्यूमन स्कल हमारा खोपड़ी वाला पोर्शन कहलाता है अब ये जो बाईस बोन है इन बाईस बोन में अगर हम देखें तो कौन सी कौन सी बोन होती हैं दो पर्टिकुलर भाग आ जाते हैं इसमें आपके आठ आठ कौन सी बोन होती है आठ यहां पर आपके क्रैनियल बोन होती हैं। आठ आपके क्रैनियल बोन्स होती हैं और दूसरा अगर आप यहां पर देखें तो आठ के बाद बस्ती कितनी है बाईस पहुंचने के लिए फोर्टीन तो जो चौदह बोन्स हैं ये आपकी कौन सी कहला जाएगी फोर्टीन जो बोन्स हैं आपके फेसियल स्केलेटल बोन कहला जाती हैं फेसियल स्केलेटल बोन्स कहला जाती हैं टोटल कितनी हो जाती हैं ट्वेंटी टू बाईस राइट सो आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है आपसे विच वन ऑफ अ नेचुरल फाइबर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है राइट right? प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है यह आपको बताना है टायलिन या टेरिलीन ऊन फ्लास्क और जूट कौन सा नहीं है इसका अगर आप सही उत्तर देखें आपको तो क्या मिलेगा राइट आंसर यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं एक प्राकृतिक रेशा नहीं है राइट सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर जो बनाया जाता है पेट्रोलियम डेराइड पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस थे उसको हम क्या बोलते हैं टेरीफिलिक एसिड कहते हैं 1941 में जे आर विनफील्ड के द्वारा इसको बनाया गया था 1941 में राइट right, तो ये आपका सिंथेटिक कहला जाएगा बाकी यहां पर क्या है आपके सारे के सारे नेचुरल फाइबर है वुल हो गया फ्लास्क राइट right, तो बाकी फ्लास्क हो गया जूट हो गया अरे अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया है यहां पर आपसे राइट right, पूछा गया है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस पहला कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था राइट right? राइट right? मेरा आवाज आ रहा है आपको इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जैसे हम बोलते हैं डगलस एंजिल बर्ट डगलस एंजिल बर्ट हम इसको क्या कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना जो पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किन के, के द्वारा किया गया था तो राइट आंसर होगा यहां पर डगलस एंजिल वर्ल्ड के द्वारा राइट तो यहां पर अगर हम देखें अरे कुछ भी नहीं है ऐसा जो है ना लाइट अगर चली जाती है तो इन्वर्टर की वजह से होता है जस्ट बिकॉज बैटरी वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है सो डोंट वरी एम आई ऑडिबल ना मैं ऑडिबल हूँ बस ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिस्ड इन 1876 सेवेंटी सिक्स बाई कलकत्ता राइट इसका सही उत्तर बताना है आपको क्या रहेगा क्या रहेगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में यहां पर क्या की गई थी कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पूछा गया है इसमें क्या बोला गया है आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में बात करी गई है इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में बताया गया है तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन अगर हम देखें तो राइट आंसर इसका क्या होगा आनंद मोहन बोस राइट बिल्कुल खत्म हो गई होगी क्योंकि लाइट आ गई है ठीक है तो वो डोंट वरी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है और कुछ नहीं होता है ठीक है तो आनंद मोहन बोस जी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनके द्वारा 1876 में जो ये आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसको बनाया गया था राइट इनके साथ और कौन थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी भी इनके साथ थे और इंडियन नेशनल एसोसिएशन को इनिशियली भारत सभा के तौर पर 1885 में बनाया गया था बाद में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाना जाता है राइट राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाना जाता है अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं पूछा गया आपसे विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज द फूल्स गोल्ड खनिज को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है मैग्नेटाइट क्वाड, फ्लोराइट और पायराइट किसको कहा जाता है बिल्कुल। कंप्यूटर में से क्वेश्चन आएगा राघव जी जितने क्वेश्चन हमने देखे थे ना 17, 18 और 19 मार्च को हर पेपर में हमें एक क्वेश्चन कंप्यूटर का मिला था इसलिए मैंने हर सेट में कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर रखे हैं अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें राइट right आंसर क्या कहला जाएगा जिसे हम बोलते हैं पायराइट पाइराइट को फूल्स गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना कहा जाता है ये एक मिनरल है एग्जैक्टली exactly अगर हम देखें तो यह क्या होता है मिनरल सल्फाइड होता है मिनरल सल्फाइड होता है एफ ई एस टू जिसे कहते हैं इसे फूल्स गोल्ड कहा जाता है राइट right? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है आपसे यहां पर देखिए हु डिजाइन द स्टेचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने डिज़ाइन किया था आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या रहेगा है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं राम वन जी सूतर राइट राम वन जी सूतर इसका राइट आंसर होगा और अगर हम देखें तो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है जो 182 मीटर एक मीटर की हाइट में सिचुएटेड है राइट right? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इफ अ फाइल नेम हैज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन एज डॉट एक्सएलएस देन वॉट विल बी द कॉन्टेंट ऑफ दैट फाइल होता है ना जैसे अपन डॉट पी बोलते हैं डॉट डॉट डी बोलते हैं ऐसे ही एक होता है एक्सएलएस तो ये कौन सी फाइल होती है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पीपीटी कौन सी फाइल होती है इसका अगर सही उत्तर आप सभी लोग देखें तो क्या मिलेगा आपको वर्ड डॉक्यूमेंट कहला जाएगा यानी कि स्प्रेड राइट स्प्रेड हम इसको कहते हैं स्प्रेड शीट किस में रिलेटेड होता है स्प्रेड जो आपका जहां पर एक टेबल होता है, है ना जहां पर अपन सारी चीजों को एनालाइज करते हैं ये उससे रिलेटेड है वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके डॉक डीओसी आ जाते हैं ऑडियो क्लिप में अगर देखो एम पी थ्री एम पी फोर एम फोर ए ए सी ए सारे आते हैं ऑडियो क्लिप के बाद वीडियो क्लिप अगर आप देखो तो डॉट ए बी आई डॉट एम ओ बी डॉट डब्ल्यू एम बी एम पी फोर थ्री जी पी ये सारे फॉर्मेट चलते हैं है हाँ ना सो so, अब बारी है ये जो पच्चीस क्वेश्चन है इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं जल्दी से यहाँ पर बताइए कितने क्वेश्चन सही किए हैं उम्मीद जी डोंट वरी सबसे लास्ट में मैं डाउट सेशन दूंगा आपके सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में वहां पर जो है ना सॉल्व करूंगा परेशान मत हो देखो ये चारों पेपर पूरे एनालिसिस करने के साथ बनाए गए हैं पूरे एनालिसिस करने के साथ बनाए गए हैं एंड आई प्रॉमिस ये चारों पेपर कर लो और इससे आपको सबको चिबेन इससे ए टू जेड हू बहू कुछ क्वेश्चन भी देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे वेरी गुड ट्वेंटी थ्री सुरेंद्र ने किए हैं ट्वेंटी टू प्रीति कली ट्वेंटी टू इशिता ट्वेंटी वन नरेंद्र जी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सचिन ने किए हैं वेरी गुड यहां पर देखिए अगर हम इसके सही उत्तर को देखें तो यह हो जाएगा एक स्प्रेडशीट अगर आपने यहां पर 20 प्लस क्वेश्चन किए हैं सेकंड वाले सेट में दैट इज अ वेरी गुड स्कोर यह एक अच्छा स्कोर कहलाएगा थर्ड वाले में थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि तो थर्ड वाला जो पेपर है यह एक स्टैंडर्ड लेवल का है इसमें कितने आप सॉल्व कर पाते हो पहला क्वेश्चन थर्ड वाले पेपर का आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कायलोनाइट इज एन ओवर ऑफ कायोलाइट एक अयस्क का है बिल्कुल करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे मोनू जी डोंट वरी मैराथन क्लास करवाएंगे बट पहले उससे सेशन को शेयर करो करो अटेंडेंस मार्क राइट पिछले जितने भी लोगों ने सीएसएसएल का एग्जाम दिया था आप मेरे सेशन जाकर देख लेना टू हंड्रेड वाले राइट ए टू जेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले थे सेम यहां से भी होगा बस आंसर करते रहो यहां पर अगर देखिए क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा गया है के बारे में पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा किसका ओर है एल्यूमिनियम ये किसका एक और कहलाता है एल्यूमिनियम का और कहलाता है केमिकल कॉम्पोजिशन अगर देखें ए एल टू एस आई टू ओ फाइव ओ फाइव ओ एच का फोर राइट ये यहां पर क्या हो जाता है इसका राइट आंसर ठीक है ये इसका राइट right आंसर कहला जाएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इन अ कंप्यूटर पारलेंस What डज आर स्टैंड इन यू आर एल इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही कंप्यूटर से आए थे है ना जितने लोगों ने एग्जाम दिया था अगर आप क्वेश्चन एग्जैक्ट ढूंढना चाहो एग्जैक्ट क्वेश्चन लेना चाहो तो मैंने एक वीडियो किया था 17, 18 और 19 मार्च के सारे क्वेश्चन सेवन जो सारे क्वेश्चन थे सारी शिफ्ट के वो मैंने आपके करवाए थे नौ शिफ्ट के क्वेश्चन आपके करवाए थे वो वीडियो देख लेना उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से थे वो भी मैंने उसमें करवाए थे इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा रिसोर्स यू आर एल का हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है यू आर एल को राइट right? ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा ओके सो शुभ मुखर्जी जी किधर गए भाई सुबेंदु जी नहीं दिख रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इज द हाइजेस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जागरा धूपगढ़ अमरकंटक और देलवाड़ा कौन सी है यह आपको बताना है उसका भी पीडीएफ दिए थे इसका भी पीडीएफ देंगे परेशान मत हो राइट उसका भी पीडीएफ दिए थे इसका भी पीडीएफ देंगे 176 हो गए हैं 200 का टारगेट करते हैं 200 लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करेंगे आई होप सही उत्तर आप देखिए क्या हो जाएगा जैसे हम बोलते हैं धूपगढ़ धूपगढ़ की अगर हम बात करें तो ये आपका सतपुड़ा रेंज का हाइजेस्ट पॉइंट है राइट हाइजेस्ट पॉइंट ये कहां पर महादेव हिल्स में सिचुएटेड है महादेव हिल्स में सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है राइट और ये पचमढ़ी नामक प्लेस है उसको अपन कहते हैं वो यहीं पे आ जाता है इसका एल्टीट्यूड कितना है वन थ्री फाइव टू मीटर एक हज़ार तीन सौ बावन मीटर के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट फोर्टी एट और फिफ्टी सिक्स इसका सही उत्तर क्या होगा राइट right आंसर अगर हम देखें तो यह कहला जाएगा 1956 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट को पास किया गया था राइट right? और यह एक स्टेटरी बॉडी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्टेटूटरी बॉडी है जो खादी और उन उद्योगों को आगे बढ़ाती है डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ध्रुव विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी किसके बारे में स्टडी कहलाती है ये आपको बताना है इसका राइट आंसर अगर हम देखें सो क्या कहला जाएगा सही उत्तर अगर आप देखें डेंड्रोलॉजी तो वुड प्लांट का जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं डेंड्रोलॉजी कहते हैं राइट स्टडी ऑफ वुड प्लांट इज कॉल्ड एज द डेंड्रोलॉजी ठीक है ध्यान रहेगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत सारे होते हैं देखो लॉजी तो आपको पता ही होना चाहिए बायोलॉजी, सीज्मोलॉजी पल्मोनोलॉजी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी ऑस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी न्यूरोलॉजी माइकोलॉजी ये ध्यान रख लेना एग्जाम में पूछा ही जाएगा एक क्वेश्चन लॉजी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच ओशियन इज द आइलैंड कंट्री फिजी सिचुएटेड द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है फिजी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है आप सभी को फिजी के बारे में पता ही होना चाहिए ध्यान रखिएगा अगर आप ओशियन की बात करें कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपको ओशियन को उनके घटते हुए साइज के आधार पर सेट करना होता है पैसा याद रखिएगा पैसा सबको प्यारा है ना सी एच एस एल में ऑफिसर बनने के बाद सैलरी मिलेगी पढ़ाई कर लो मेहनत कर लो पैसा राइट पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशन ये सारे के सारे ओशन कहलाते हैं सबसे बड़ा पैसिफिक होता है सबसे छोटा आर्कटिक होता है फिजी की बात करें तो ये कहां पर सिचुएटेड है पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में सिचुएटेड है दुनिया का सबसे गहरा जो ट्रेंच है जिसे हम क्या बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच ये भी प्रशांत महासागर में ही है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेथिल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ मेथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है आइसोमर और मोनोमर आइसोमर अगर हम देखें और आइसोमर को अगर देखें तो ये किसका कहला जाएगा इसका राइट आंसर अगर आप देखें तो नॉर्मल ब्यूटेन एन ब्यूटेन का आइसो आइसोमर कहलाएगा मैथिल प्रोपेन जो है ना आपका ये आइसो ब्यूटेन का आइसोमर होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है सी फोर एच टेन राइट सी फोर एच टेन होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला और इसके जो स्ट्रक्चर में अगर देखें तो दो आइसोमर होते हैं जो अनब्रांच ब्रिटेन में आ जाते हैं राइट आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हु द फाउंडर ऑफ हुनेस्टी सुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था संस्थापक कौन था देखिए सुंग डायनेस्टी आप सभी को पता है पोस्ट मोरियन अंपायर में बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी पुषमित्र सु के द्वारा और जब पुषमित्र सु ने पोस्ट मॉरियन अंपायर में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी उसके बाद भारत में देशी और विदेशी दो तरीके की शासक शासक आ गए थे तो पुष्मित्र सुंग के द्वारा ही सुंग डायनेस्टी को बनाया गया था और ये प्राचीन भारत में रूल करने वाला पहला ब्राह्मीण वंश था जो 185 एटी के बाद से लेकर के 36 सालों तक इन्होंने रूल किया था राइट right? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है व्हाट इज येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विथ भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है राइट right, पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है इसके बारे में आपको सही उत्तर बताना है क्या रहेगा राइट right आंसर तो अगर हम देखें यह कहला जाएगा ऑयल सीड्स ऑयल सीड्स से जुड़ी हुई होती है पीली क्रांति जिसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन राइट अगर फिश की बात करो तो आपको क्या मिलेगा ब्लू रेवोल्यूशन मिलेगा फ्रूट्स फल की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा गोल्डन रेवोल्यूशन राइट right, अगर आप वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल लाइक पोटैटो वगैरह तो ये अपन राउंड रेवोल्यूशन भी कहते हैं पोटैटो के रिलेटेड होता है बट पोटैटो इज ऑल्सो वेजिटेबल राइट ऑयल सीड्स रिलेटेड हो जाएगा येलो रेवोल्यूशन आ वाउंड स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन कॉल्ड रक्त के थक्का जमने की एक प्रक्रिया होती है जिससे खून का बहना बंद हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं ये प्रोसेस तो आप सभी को पता होगा राइट ये प्रोसेस तो आपको सभी को पता होगा जिसे हम क्या कहते हैं दैट बी कॉल्ड एज द कागलेशन कागलेशन का प्रोसेस होता है जहाँ पर कि फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड क्लॉट का देखिए क्या होता है कि हमारे ब्लड में एक हेपेरिन पाया जाता है ये हेपेरिन जब भी एटमोस्फेरिक ईयर के कांटेक्ट में आता है ये जम जाता है जब ये बॉडी के अंदर होता है उस समय पर ये शरीर के अंदर ब्लड कोस जमा नहीं होने देता ठीक है आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए विच ऑफ द फॉलोविंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश तब तक मैं यहां पे पानी पी लेता हूं जल्दी से आंसर करिए राइट right? गर्मी बहुत है गाइस एंड आई एम हियर मैं सिर्फ यहां पे इसलिए बैठा हूं so आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मैं प्रोवाइड कर पाऊं ताकि जब आप एग्जाम लिखने जाओ वहां पे आपको दिक्कत ना हो राइट सो ना इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द सेशन सेशन को शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो क्या कहला जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर राइट right? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है चाइना में जिन जियांग के नाम से जाना जाता है भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है जमुना में जमुना इसको कहा जाता है बांग्लादेश में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड मानव पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग में भोजन का पाचन पूरा होता है ओके okay, आशीष पे ठंडे भाई जल्दी से यहाँ पर आपको आंसर देना है इसका सही उत्तर क्या होगा राइट व्हाट विल बी द राइट आंसर इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो कंप्लीट जो होती है प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की देखो जो गैस्ट्री गैस्ट्रोनियल या गैस्ट्रोटेनियल ट्रैक्ट होते हैं वो यहां पर प्रज्यू यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनका काम होता है एबजॉर्सन करना फूड को जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन डिस्टिंग पार्ट होते हैं ड्योडनम जेजोनम और इलियम यहाँ पर ही पूरा का पूरा जो फूड होता है ये डाइजेस्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन नागरह होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल और उड़ीसा इसका आपको सही उत्तर बताना है राइट right? 87 पहुंच चुके हैं 187 वीडियो को लाइक करना है जितने लोग नए आए हैं तो सबको अपना अटेंडेंस मार्क करना है अगर नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क सिचुएटेड है नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है अभी मैंने देखो नो योर स्टेट का एक सीरीज चलाया था इसमें सारे स्टेट मैंने करवा दिए हैं जितने भी आपसे एग्जाम रिलेटेड पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे मैंने करवा दिए हैं तो नोयर स्टेट का प्रॉपर प्ले मिल जाएगा उसे आप क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा ये सारी चीजें ट्रिक आपके दिमाग में छप जाएंगी अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं पूछा गया है आपसे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं होता है डीएनए में एडानाइन गुआनाइन यूरेसल और थायमाइन देखिए बहुत सारे आपके क्या होते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं डीएनए जिसको हम डी एसिड कहते हैं ये पर्टिकुलर ऐसी चीजें होती हैं जो किसको कंटेन करती हैं आपके जो कंटेन करती हैं आपके जेनेटिक मटेरियल्स को राइट तो इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है यूरेसल राइट यूरेसल प्रेजेंट नहीं होता है यहां पर आपको एडानाइन गोआनाइन ये सारा कुछ मिलेगा नाइट्रोजीनियस बेस में राइट बट यूरेसल यहां पर नहीं पाया जाएगा यूरेसिल की जगह पर क्या होता है थायमाइन होता है अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं पूछा गया है आपसे यहां पर अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां कहलाता है अल्पकालिक का मतलब होता है शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म का मीनिंग है कि जो आपका कितने दिन से 90 डेज 90 दिन से कम के लिए हो राइट right, नब्बे दिन से कम के लिए हो उन्हें हम शॉर्ट टर्म कहते हैं राइट right आंसर अगर आप देखें तो क्या कहला जाएगा ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं मनी मार्केट में इनको रिलीज किया जाता है और ये डिस्काउंट के साथ रिलीज होते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है डिस्काउंट कितना होगा ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है जो फिमडा फिक्सड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन है उसके द्वारा तीन पर्टिकुलर ट्रेजरी बिल है एक जिसको कहा जाता है आपका नाइनटी डेज वन ऐटी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फ़ोर डेज़ ये आपके तीन ट्रेजरी बिल्स होते हैं नाइन्टी वन डेज वन ऐटी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फोर डेज और ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है वट इज़ कैश मैनेजमेंट बिल कैश मैनेजमेंट बिल किसको कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा ऐसे ट्रेजरी बिल जिनका ड्यूरेशन आपका कितने से कम होता है 91 डेज से कम का होता है इसे हम कैश मैनेजमेंट बिल कहते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट बीन सेलेक्टेड फॉर द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी राइट अगस्त 2020 right? में निम्नलिखित में से किस संस्थान को 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना गया है इसका सही उत्तर आप अगर देखें तो क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कहला जाती हैं वेरी गुड अनिशा यस और वो अगर हम देखें वो अगर हम देखें तो किससे रिलेटेड है आपके कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है इसका अगर हम सही उत्तर देखते हैं राइट आंसर कहला जाएगा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ए एस आई जिसे कहा गया आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को मिशन ओलंपिक्स के तहत एक जुलाई 2001 को लाया गया था राइट right, 2001 से ये वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली और प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए इसे ही चुना गया है बिल्डिंग द यंग टैलेंट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है द बुक नेम्ड क्रिकेट द्रोणा इज बेस्ड ऑन होम क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किस पर आधारित है वासु परांजपे मदन लाल लालचंद गुप्ता और रमाकांत आचरेकर जी किस पर रिलेटेड है यह आपको बताना है राइट right? इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा So, अगर आप इसके सही उत्तर को देखते हैं राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा वसु परांजपे वसु परांजपे पर आधारित है क्रिकेट द्रोणा ये एक बुक है मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेट कोच है वसु परांजपे जो 2 सितंबर 2020 को ये पुस्तक को रिलीज किया गया जो पेंग्विन है मतलब बुक किसके द्वारा पब्लिश करी गई पेंग्विन करके एक आपका पब्लिकेशन हाउस है जिसके द्वारा इसको ऑथर किया गया है परांजपे जो है ये फॉर्मर इंडियन आ, मतलब प्लेयर थे और जतिन के साथ इन्होंने खेला था जर्नलिस्ट आनंद बाशु जो क्रिकेट थे उनसे रिलेटेड थे ये बुक अगर देखें तो सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ सुनील गावस्कर इन सब के द्वारा इनके एसेस के आधार पर लिखा गया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ नवी मुंबई एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हजार बीस इन अगस्त ट्वेंटी अगस्त 2020 में अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया था इस स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में किसको फर्स्ट रैंक मिला है यह आपको बताना है राइट आंसर यहां पर अगर नवी मुंबई की बात करें तो कौन से नंबर पे था थर्ड नंबर पे था साल 2016 से लेकर के कंटिन्यूसली 2020 तक मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता के शिखर पे बना हुआ है स्वच्छ शहर के तौर पर इसको जाना जाता है नवी मुंबई का थर्ड रैंक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया है आपसे यहां पर विच एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी राइट छब्बीस जुलाई दो हजार बीस को जो कौन सी विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई उन्नीसवीं बीसवीं इक्कीसवीं और बाईसवीं आप सभी को पता है विजय दिवस कब मनाया जाता है कारगिल के तौर पर कारगिल की विजय के तौर पर मनाया जाता है तो अभी जो विजय वर्ष मनाया गया कारगिल विजय दिवस ये कौन सा था ट्वेंटी वन इक्कीसवां कारगिल विजय दिवस मनाया गया क्यों सबसे पहला कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था ट्वेंटी सिक्स जुलाई नाइनटीन नाइनटी नाइन उन्नीस को पहला कारगिल दिवस मनाया गया था अभी कौन सा कारगिल दिवस मनाया गया इक्कीसवां ट्वेंटी फर्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है राइट right, विषय क्या है 2020 के विश्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का यह आपको बताना है ऑपरेशन विजय चलाया गया था आप सभी को पता है राइट ऑपरेशन विजय चलाया गया था इसका अगर हम सही उत्तर देखें राइट right आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य कहा गया था वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे 2020 जब यहाँ पर अपनाया गया हैपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई 28 ऑफ जुलाई को जो वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे है ये मनाया जाता है अब देखो मैंने यहाँ पर वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे के बारे में बताया मतलब डेज एंड डेट से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही राइट भाई जल्दी से, से सेशन को शेयर कर दो भाई देखो एटलीस्ट दो तो होने चाहिए इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट एफर्ट दे रहा हूँ और ध्यान रखना एग्जाम देकर क्या आओगे तब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना कितने क्वेश्चन आपको इस सेशन में से मिले थे राइट right? कितने क्वेश्चन सेशन में से मिले थे अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं पूछा गया है पर क्या सरस्वती इंस, सम्मान इंस्टीट्यूटेड बाई सरस्वती सम्मान द्वारा किसके द्वारा स्थापित किया गया था यह आपको बताना है इसमाइल फाउंडेशन गांधी पीस फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन और कमल कुमारी फाउंडेशन राइट यहां पर आपको क्या करना है इसका सही उत्तर बताना है सरस्वती सम्मान इंस्टीट्यूट भाई किसके द्वारा फाउंड किया गया था आप सभी को पता है ये के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था 1991 1991 में इसको मनाया गया था के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा राइट हरिवंश राय बच्चन जी पहले रेसिपेंट थे इस अवार्ड के उन्हें 1991 1991 में ही ये अवार्ड दिया गया था राइट right? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा अच्छा किसके लिए दिया जाता है ये तो बताना ही भूल गए पोएट्री राइट जो आपकी पोइट्रीज वगैरह होती हैं पोइट्रीज के लिए क्या किया जाता है ये दिया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आपसे देखिए पूछा गया है विच मेट्रो सिस्टम इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूरी तरह से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है हांगकांग मास ट्रांजिट रेलवे सिंगापुर मास रैपिड ट्रांजिट डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लंदन अंडरग्राउंड कौन सा है यह आपको बताना है सारे करवाएंगे मोनू जी परेशान मत हो एग्जाम से पहले तुम्हें इतने सारे मैराथन करवा देंगे उनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राइट बस आपको सिर्फ इतना करना है वीडियो को शेयर करना है लाइक करना है अटेंडेंस जरूर मार्क करना है अपनी इसका अगर हम सही उत्तर देखें राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डी जिसे कहा गया राइट इसके द्वारा यहां पर वर्ल्ड का जो पहला कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो स्टेशन है ये अध्ययन करता है ग्रीन बिल्डिंग्स के जो नॉर्म्स हैं रेसिडेंशियल कॉलोनीज एवरीथिंग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष यहां पर किससे संबंधित है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री इंडियाज वन इंडियाज ओन सर्च ऑफ द अर्थ लाइक प्लेनेट इन द आउटर स्पेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस पर है तो राइट आंसर इसका अगर आप देखें क्या कहला जाएगा इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट आंसर यहां पे कहला जाएगा इम्यूनिटाइजेशन या चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का जो टीकाकरण है इसके लिए यहां पर जो है इसको शुरू किया गया राइट इसके लिए यहां पर इसको शुरू किया गया इसको यहां पर स्टार्ट किया गया आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है स्टेट हैज अनाउंस इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी किस राज्य ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति दो हजार बीस की घोषणा की है उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा और मध्य प्रदेश सिंगापुर होगा मेट्रो का नहीं भाई कली जी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद फरीदाबाद गुड़गांव नोएडा बहादुरगढ़ बल्लभगढ़ और दिल्ली के उपग्रह उपग्रह के जो भी शहर है उनको पराक्रम बनाने के लिए लाया गया 24 दिसंबर 2002 को सहादरा से तीस हजारी के बीच में पहली रेल पटरी दौड़ी थी राइट और ग्रीन में यही है इसका अगर हम सही उत्तर देखें राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा वर्तमान क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है तो ये यहां पर स्टार्ट किया गया जिसे बोला गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं यहां पर और तीसरे क्वेश्चन पेपर सेट का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे 2020 ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दो का विषय क्या है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सेफ स्पेस फॉर यूथ यूथ सिविक एंगेजमेंट यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन राइट आंसर आप इसका देखिए क्या कहला जाएगा यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन इज द राइट आंसर इंटरनेशनल यूथ डे की बात करी गई है सर इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि कब सेलिब्रेट होता है ट्वेल्व ऑफ अगस्त बारह अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेल्व ऑफ जनवरी बारह जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है बारह अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे और साल 2020 में जो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया था इसका थीम क्या है यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन इसका राइट right आंसर हो जाएगा इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में तब तक देखिए टेक्स बुक आपके लिए एक ऑफर लेकर के आया है और 36 घंटे के लिए एक फ्लैश सेल चल रही है जहां पर आपको ईयरली टेस्ट बुक पास मिलेगा एट जस्ट रुपीज टू नाइनटी नाइन दो सौ निन्यानबे टेक्स बुक पास मिल रहा है और गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन भी तीन महीने के लिए मिलेगा तो अगर आप चाहें इसे यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर देखिए इसमें से अगर आपने 19 से लेकर के 21, 19 से अगर 21 क्वेश्चन के बीच में आपने किया है दैट इज अ वेरी गुड स्कोर राइट दैट इज अ वेरी गुड स्कोर ये एक बहुत अच्छा स्कोर कहला जाएगा विशाल ने यहां पर 22 किए हैं 23 किए हैं विकी ने निधि ट्वेंटी टू अजय ट्वेंटी वेरी गुड गाइज बहुत जबरदस्त आखिरी टेस्ट पेपर अपन देखते हैं आखिरी मॉडल पेपर आपकी स्क्रीन पर चौथा ये रहा सेवेंटी सिक्स से लेकर के हंड्रेड क्वेश्चन तक रहेगा चौथा मॉडल पेपर इस पर काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन करते हैं और आई प्रॉमिस अगर आपने चारों को मिला करके एटी प्लस क्वेश्चन कर लिए सिलेक्शन तुम्हारा सी में कोई नहीं रोक सकता सी में तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु आत्मनिर्भर भारत शपथ इन अगस्त 2020 अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था तो इसका अगर आप सही उत्तर देखें राइट आंसर क्या कहला जाएगा द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह अगस्त 2020 में राजनाथ सिंह जी के द्वारा 10 अगस्त 2020 से आत्मनिर्भर सप्ताह का शुभारंभ किया गया था एक कदम जो उद्देश्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्म भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने का उनका ही एक इनिशिएटिव था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन पाकाल डोल पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है यह आपको बताना है फिलहाल अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा सही उत्तर कहलाएगा जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है पाकालो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट राइट यहां पर जो विलेज है वहां पर सिचुएटेड है इंडिया सेलिब्रेट विच एनिवर्सिटी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन क्विट इंडियन डेट इन ट्वेंटी भारत ने 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है अब इसके लिए आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन को कब स्टार्ट शुरू किया गया था राइट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा क्विक इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट को 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था साल 2020 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई अठहत्तरवीं सेवेंटी एट एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट की मनाई गई यहीं से अगर देखें गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था डू और डाई करो या मरो का नारा गांधी जी ने यहीं से दिया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग बिल रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त करेगा रोहित शर्मा मरियपंत थंगावेलू मनिका बत्रा ऑल वन टू एंड थ्री क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर अगर आप राइट right आंसर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा ऑल वन टू एंड थ्री अवार्ड 2020 में जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड मिलने हैं 22 अगस्त 2020 को जो मिले हैं वहां पर इन लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है वॉट इज द नेम ऑफ द ऑटोमेटेड करेंसी सैनिटेशन एडवाइस डेवलप्ड बाई द डी आर डी ओ लैब डी आर डी ओ लैब द्वारा विकसित स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण का नाम क्या है नोट्स क्लीन स्वच्छ नोट नोट सैनिटाइजर नोट्स प्रोटेक्ट इसका सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है गाइस जल्दी से क्विक यहां पर आपको को जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा राइट सेशन को शेयर जरूर करिएगा है ना वी क्रॉस तो अपन अब अप टारगेट करते हैं ढाई सौ का राइट देखते हैं ढाई सौ अपन पहुंच पाते हैं या नहीं हंड्रेड क्वेश्चन तक राइट ढाई सौ रखें या तीन सौ रखें यह आपके रिगार्डिंग है आपके ऊपर है इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा जिसे हम बोलते हैं नोट्स क्लीन एक ऑटोमेटेड सैनिटाइजिंग डिवाइस नोट्स क्लीन को डेवलप किया गया डीआरडीओ लैब के द्वारा राइट यह ध्यान रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी अ गोल्डन टाइगर वॉज स्पॉटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओके आशीज करें तीन सौ होगा बिल्कुल होना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखिए इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा जुलाई 2020 में जो एक गोल्डन टाइगर को देखा गया कहां पर राइट right आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड कहां पर है आसाम में याद है ना मानस नामेरी ये सारे कहां पर हैं आसाम में है मैंने आपको बताया था आसाम के नेशनल पार्क के बारे में ट्रिक वगैरह बताया था जब हमने नो योर स्टेट में आसाम को जाना था गाइज मैं आपको बताऊंगा कि अट्ठाईस स्टेट जो है ना ट्वेंटी एट स्टेट का वो पूरा नो योर स्टेट आपने देख लिया स्टैटिक जीके में तुम्हें कोई हिला नहीं सकता ध्यान रखना स्टैटिक जीके में तुम्हें कोई हिला नहीं सकता अगला क्वेश्चन देखिए द वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल हैज बीन ओपन एट विच सिटी इन वियतनाम वियतनाम के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है हनोई हो ची मिन सिटी द नांग हाई पे ये आपको बताना है राइट right? इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right? इसका अगर सही उत्तर देखे तो क्या हो जाएगा जैसे हम बोलते हैं हनोई हनोई यहां पर जो है ना कैपिटल है वियतनाम की जहां पर कि क्या किया गया इसको सिचुएट किया गया है इस पर्टिकुलर होटल को ओपन किया गया है करेंसी यहां पर कौन सी चलती है वियतनामी डोंग करेंसी चलती है और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं इनको क्या कहा जाता है रोंग राइट गुएन रोंग यहां पर वर्तमान में प्रेसिडेंट है बढ़ते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है सोहराई खोवर पेंटेड हैज रिसीव जोग्राफिकल इंडिकेटर फ्रॉम विच स्टेट डज इट बिलोंग सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतिक टैग मिला हुआ है किस राज्य से है उन सारे राज्यों के जीआई टैग भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे नो योर स्टेट में जितने भी क्वेश्चन है सोल्यूशन आपको स्टैटिक जीके का सोल्यूशन नो योर स्टेट देख लो स्टैटिक जीके में आपको कोई हिला नहीं सकता झारखंड वालों जल्दी से यहां पर इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा इसका झारखंड राइट सोहराई खोबर एक जो पेंटिंग है झारखंड का जिसको जीआई टैग मिला यह ट्रेडिशनल और रिचुअल मोनल आर्ट होता है जो कि लोकल ट्राइब व्यूमेन के द्वारा इसको बनाया जाता है राइट ये यहां पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड की कैपिटल है रांची चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जी और वर्तमान में गवर्नर जिनको बोला गया द्रौपदी मुर्मू जी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द इज लिस्टेड इन यूनेस्कोज ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सूचीबद्ध है रमन अंकिया नट भूटान और कला कौन सा है ये आपको बताना है वेरी गुड गाइस झारखंड के बारे में जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था हालांकि यूनेस्को की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा रम्मान यूनेस्को की मानवता की अमूर्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है उसमें किसको सूचीबद्ध किया गया है रम्मान को सूचीबद्ध किया गया है ये गढ़वाल रीजन है उत्तराखंड का ये डेडिकेटेड है भूमियाल देवता के लिए राइट right और इसलिए यहां पर जो है ना इसको लिस्टेड किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द विलेज पंचायत यहां पर देखिए जो आपका कौन सा आर्टिकल है ग्राम पंचायतों के लिए जो दिया गया है तो यहां पर अगर आपको पार्ट्स आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में कोई दिक्कत होती है तो इनकी ट्रिक्स की वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे ऐसी ट्रिक है जिनसे कि आप चुटकियों में सब याद कर ले जाओगे राइट इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल फोर्टी इसका राइट आंसर होगा जहां पर कि आपके ग्राम पंचायतों के लिए क्या किया गया है भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए दिया गया है आर्टिकल 40 कहाँ से बिलोंग करता है तो ये आपका बिलोंग करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर फोर जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक राइट right? और पंचायत सिस्टम की अगर हम बात करें तो पंचायत सिस्टम को कहाँ पर बनाया गया है पंचायत सिस्टम जो है तो ये आपका आर्टिकल जो पार्ट नाइन है पार्ट नाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर टू में इसको क्या किया गया है बनाया गया है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेर इज अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू यूरिया अमोनिया को यूरिया में कहां पे परिवर्तित किया जाता है किडनी पेनक्रियाज लीवर और स्टमक ये आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है राइट वॉट विल बी द राइट आंसर डाइजेशन प्रोसेस का पार्ट होता है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा लीवर लीवर स्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन के लिए जो भी पॉइजनस अमोनिया होती है उसको यूरिया में यूरिया एक एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का जो कि एक्सर्ट कर दिया जाता है यूरिन के द्वारा बाहर राइट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय डज नॉट कंटेन जिंक निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है ब्रॉस जर्मन सिल्वर ब्रॉन्ज और गन मेटल जस्ता किसमें नहीं पाया जाता है यह आपको बताना है तो देखिए इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर आप देखिए तो हो जाएगा ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है एक जिसे हम बोलते हैं कॉपर प्लस टिन कॉपर और टिन इन दोनों से मिलकर के जस्ता बनता है कॉपर यहां पे कितने परसेंट होता है 90 परसेंट और टिन यहां पे कितना होता है टेन परसेंट राइट तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जिंक को कंटेन नहीं करता है जबकि हम ब्रास ब्रास जिसको पीतल कहते हैं तो पीतल में जिंक पाया जाता है गन मेटल अगर देखें तो टिन लेड जिंक इनसे मिलकर के बना होता है कॉपर भी होता है जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये आपका कॉपर जिंक निकल इन सब से मिलकर के बना होता है इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ब्रॉन्ज अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्डेज न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ फोर्स लॉ ऑफ एनर्सिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी राइट क्या कहा जाता है यह आपको एक और चीज इसके बारे में बताना है न्यूटन लॉ के बारे में आप सभी को पता होगा फिलहाल मैं आपको इसका राइट right आंसर बता देता हूं लॉ ऑफ इनर्सिया, राइट न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है इसे ही हम लॉ ऑफ एनर्सिया कहते हैं कहा होता है ये इनर्सिया की अगर हम बात करें ये एबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की जो उसको अपोज करती है चेंज से अगर मैं ऐसे बैठा हूं अगर मैं ऐसे बैठा हूं पसीने में पूरा भीग चुका हूं है ना गर्मी बहुत है आज अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मैं ऐसे ही रहूंगा अगर मुझे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब मेरा मूवमेंट होगा तो इस एक्सटर्नल फोर्स का जो रेजिस्टेंस है दैट बी कॉल्ड एज एनर्सिया उसे हम क्या बोलते हैं एनरसिया कहते हैं और न्यूटन के पहले लॉ में ये कहा भी गया है एन ऑब्जेक्ट विल रेमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स जब तक कि उसमें जो आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तब तक राइट तो ये यहां पर क्या हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्सिया जड़त्व का एग्जाम्पल इसको कहा जाता है राइट सेकेंड जो आपका लॉ होता है इसे अपन लॉ ऑफ मोशन कहते हैं न्यूटन का राइट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासन और न्यूटन का जो तीसरा लॉ होता है यह कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनादर राइट ये यहां पर क्या कर देगा यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा और राघव जी बजट आपको दो हजार बीस इक्कीस का पढ़ना है डोंट वरी मैं जल्दी से आपको डाउट सेशन देता हूं अगले क्वेश्चन पर आते हैं टेड इन लेह एंड लद्दाख इनमें से कौन सा लेह और लद्दाख में स्थित है ये आपको बताना है लेह और लद्दाख में क्या चीज स्थित है खुर्दंगला नाथुला लिपुलेख बैनिहाल दर्रा कौन सा है देखिए पासिस का मतलब होता है जो आपके रास्ते होते हैं किसके बीच के पहाड़ों से बीच से निकलते हैं तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं खुर्दंगला की खुर्दंगला सिचुएटेड है लेह लद्दाख में ये कनेक्ट करता है लेह को सियाचिन ग्लेशियर से ये हाइजेस्ट मोटरेबल पास है मोटरेबल पास का मतलब क्या होता है जहां से कि मोटर गाड़ी वगैरह निकलती है राइट इट इज हाइजेस्ट मोटरेबल पास राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पट्टाडकल पट्टाडकल में स्मारकों में के जो समूह है ये किसने बनवाए चोल किंग पल्लव चेर और चालुक्य किसके द्वारा बनाए गए हैं यह आपको बताना है आ, जल्दी से यहां पर आपको क्या करना है सही उत्तर बताना है तो देखो वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अगर आप देखें सो तो बी कॉल्ड चालुक्य किंग राइट चालुक्य किंग के द्वारा जो बनाया गया था चालुक्य किंग जिनका नाम क्या था विजयादित्य सारस्वत राइट सॉरी विजयादित्य सत्य सराया राया का मतलब होता था राजा छे सौ संतानवे सिक्स नाइनटी सेवन से लेकर के सेवन थर्टी थ्री एडी इस समय पर थे ये चालुक्य वंश के राजा जिनके द्वारा इसको क्या किया गया था दिकल के मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया था दक्षिण भारत में आपके टेंपल्स पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा राइट यस रिपीट होता है राघव जी अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ मल्टीसीडेड फ्रूट निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीज वाला फल नहीं है पपाया लीची एप्पल और इसको हम क्या बोलते हैं पॉमग्रेनेट अनार जिसको कहते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लीची पपीता में बहुत सारे बीज होते हैं एप्पल में भी होते हैं अनार में भी होते हैं है ना बस्ता क्या है आपके पास लीची बचता है लीपी लीची अगर हम देखें तो ये आपका आकर्षक लाल रंग का फल होता है जो आपका मल्टीसीडेड नहीं होता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज स्टार्ट इज बॉर्डर्ड बाई द भूटान चाइना एंड म्यांमार इनमें से कौन सा राज्य भूटान चाइना और म्यांमार के द्वारा सीमाबद्ध है मणिपुर अरुणाचल प्रदेश आसाम और त्रिपुरा सिंपल सा है इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे तो नो योर स्टेट में ये भी मिल जाएगा इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर भी हमने डिस्कस किए थे इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि भूटान चाइना और म्यांमार इन तीनों से मिलता है राइट भूटान चाइना म्यांमार से मिलता है इसकी स्टेट कौन कौन सी है नागालैंड और आसाम ये दो स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है मणिपुर मणिपुर आपका नागालैंड आसाम मिजोरम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है और म्यांमार के साथ आसाम आसाम अगर देखो तो वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा और मेघालय इन सब के साथ बाउंड्री शेयर करता है साथ ही साथ बांग्लादेश और भूटान त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यह मिलता है आसाम मिजोरम और बांग्लादेश इनके साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ एज सिविलाइजेशन सिल्वर टेन गोल्ड ब्रांज सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है यह आपको बताना है इसका अगर आप सही उत्तर देखें राइट आंसर आपको क्या मिलेगा ऐसे हम कहते हैं ब्रांज एज सिविलाइजेशन नोट डाल करके दिमाग में फिट कर लेना अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आयरन का नॉलेज था या नहीं आंसर होगा नहीं राइट नहीं आंसर होगा एक बार नहीं क्वेश्चन दस बार रिपीट हुआ है किस धातु के बारे में नॉलेज नहीं था राइट आयरन कब आया इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं यह ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कलिंग वॉर वॉज फॉट इन कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था टू वन सिक्सटी वन टू सिक्सटी वन थ्री सिक्सटी वन और फोर सिक्सटी वन कब लड़ा गया था कलिंग कलिंग जिसे आज हम उड़ीसा का रीजन कहते हैं अगर हम देखें तो ये टू सिक्सटी वन बी सी ऐतिहासिक ईयर है सम्राट अशोका के द्वारा जब कलिंग युद्ध को जीता गया था और इसके बाद इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को रिलीजियन धर्म पर फोकस कर दिया था धर्म पर फोकस कर दिया था इनके बाद जितने भी फॉलोवर आए उन सब का क्या था टाइटल धर्म पर फोकस करना धर्म को ही उन्होंने आगे बढ़ाया और 261 सौ बीसी के बाद अगर देखें तो सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहां पर आपसे पूछा गया है वॉट इज दिटॉसिस कॉमनली नोन एज हेलीटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है राइट हैलीटोसिस को किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा यस yes, श्रीलंका अपने बच्चों को भेजा था राइट right? यहां पर अगर हम देखें तो जो आ, महेंद्र और संघमित्रा महेंद्र इनका बेटा था संघमित्रा डॉटर थी इनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका सही उत्तर आप देखें तो क्या हो जाएगा बैड ब्रेथ सांसों की जो बदबू है यह यहां पर इसका सही उत्तर कहला जाएगा राइट right? जो हैलीसिस है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है इसे हम क्या बोलते हैं सांसों की बदबू बेड ब्रेथ के नाम से जाना जाता है राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोविंग कंपाउंड इज यूज इन द फायर एक्सचेंजर्स अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा कास्टिक सोडा ड्राई आइस और ब्लीचिंग सोडा तो फायर एक्सचेंजर की अगर हम बात करें राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है एन ए एच थ्री एन ए एच थ्री ये यहां पर इसका फॉर्मूला कहला जाता है राइट right? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करेंट में से कौन सी ठंडी महासागरी जलधारा है अगर हम देखें तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आप देखिए वी दिस द लेब्राडोर लेब्राडोर करेंट कहाँ पर आता है तो देखो जब हम यहाँ पर अटलांटिक ओशियन को ड्रॉ करते हैं ये एस ओशियन है इक्वेटर के पास से वार्म करंट जाता है ये गल्फ ऑफ मेक्सिको से निकल करके कहा जाता है आपका ये आगे बढ़ जाता है जो ब्रिटिश के जो भी पर्टिकुलर वो है वहां पर क्या नहीं जमने देता बर्फ नहीं जमने देता वहीं से कोल्ड करंट आता है लेब्राडोर लेब्राडोर धारा जो कि कोल्ड करंट है और जहां पर लेब्राडोर और ये दोनों गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं वो एक सबसे जबरदस्त फिशिंग जोन कहलाता है राइट right? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है पुणे वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ पुणे को किसी समय पर राजधानी के नाम से जाना जाता था इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा राइट right आंसर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा पेशवा राइट right, पेशवा कौन थे ये अगर आप देखें तो मराठा परिसंघ का हिस्सा हुआ करते थे पेशवा मराठा परिसंघ का हिस्सा होते थे और इन्हीं का जो कैपिटल है ये क्या कहलाता था पुणे कहलाता था अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है हु द फर्स्ट यूएन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कमला देवी चट्टोपाध्याय सरोजिनी नायडू एनी बिसेंट और राजकुमारी बेसेंट इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो क्या मिलेगा इसे हम बोलते हैं एनी बिसेंट राइट एनी बिशेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी पहली महिला अध्यक्ष थी ये कलकत्ता का जो सेशन हुआ था 1917 में यहां पर जो है आपके क्या हुई थी ये यहां पर आपका ये प्रेसिडेंट बनी थी और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा पूछा गया है आपसे यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल लैंडफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सी एक तटी एक प्राकृतिक जमीन का रूप नहीं है कौन सा तटी जमीन का एक प्राकृतिक रूप नहीं है ये आपको बताना है हिमोड़ सी ट्रैक सी केव और सी क्लिप इसका अगर राइट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा हिमोड़ अब चौथा जो पेपर था इसमें आपने आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव कितने सही किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और एक मिनट के अंदर आपके जो भी डाउट हैं जल्दी बताओ मैं आपके सारे डाउट भी क्लियर कर देता हूं राइट right? और पूरे सेशन में जो मैंने हंड्रेड क्वेश्चन करवाए हैं इन सौ क्वेश्चन में अगर आपने अस्सी से ज्यादा क्वेश्चन क्या कर लिए हैं 80 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता गाइस जितने लोग नए जुड़े थे सब अटेंडेंस को जरूर मार्क करिएगा वीडियो को शेयर जरूर करना और ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर कर लिया एसएससी में तुम्हें कोई फेल नहीं करेगा सिलेक्शन यहां से होगा तुम्हारा एसएससी में राइट ट्वेंटी टू किए हैं विकी ने ट्वेंटी गाइज अगर देखो यहां पर आपने जो है ना यहां पर अगर आपने उम्मीद सिंह कोरोना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना देखो डिजीज डिजीज से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया था है ना कोरोना के बारे में हर किसी को पता है तो क्वेश्चन कोरोना से ना पूछ करके डिजीज से पूछा जाएगा बीमारी से बिकॉज कोरोना भी एक तरीके की क्या है बीमारी है कोरोना right? भी क्वेश्चन रखा है, okay. so, अगर आपने यहां पर देखो, 20 है तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर और साथ ही साथ अगर आपने पूरे 100 में से 100 में से अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं ध्यान रख लेना सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा तुम्हारा ये पूरे क्वेश्चन कर लेना इसका पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेशन के बाद राइट right, पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना सारे क्वेश्चन देख लेना और अजय जी कह रहे हैं फायर एक्सचेंजर क्वेश्चन नंबर बताओगे अजय जी कौन सा था फायर एक्सचेंजर वाला फायर एक्सचेंजर वाला क्वेश्चन कौन सा था राइट right, क्वेश्चन बताओ तो फिर मैं आपको कुछ बताऊं फायर एक्सचेंजर में अगर देखो क्वेश्चन जो था ना कंपाउंड के बारे में पूछा गया था कौन सा कंपाउंड पूछा गया था कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो जिसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बेकिंग सोडा कहलाता है एन ए एच सीओ थ्री जिसे कहते हैं राइट right? वो कंपाउंड कहलाता है ठीक है वही था उसका राइट आंसर आई होप कि जो मैंने यहां पर मेहनत किया है आपको समझ आया होगा राइट right? वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा टेक्सबुक के चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर स्टैटिक जीके में दिक्कत है तो नो योर स्टेट वाला शो जरूर देख लेना और अगर आप यहाँ पर ऑफर चाहते हैं टेस्ट बुक का पास सेलेक्ट कर खरीदना चाहते हैं तो सेल चल रही है छत्तीस घंटे के लिए ऐसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक क्वेश्चन आपका आ रहा है वंशराज अवस्थी जी का कह रहे हैं कि सर यहाँ पर पिछले छः महीने का करंट अफेयर पढ़ना है अगर हम यहाँ पर देखें तो सर आप जो है ना जून से उठा लो है ना जून से करंट अफेयर पढ़ डालो जितना भी था उतने में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके उतने में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके अनिशा जो भी है आपका क्वेश्चन कमेंट में बता देना मैं आंसर कर दूंगा ओके गाई द डे अभी क्लास में इतना ही मिलेंगे अपन अगली क्लास में चिल्ड्रेन टेक केयर बाय हैव अ ग्रेट डे सेशन को शेयर जरूर करना अगर मैराथन क्लास चाहते हो तो राइट एग्जाम से पहले ही हम इतनी मैराथन तुमको करवा देंगे कहीं से कहीं तक तुम फेल नहीं होगी ठीक है चलिए बाय बाय का बाय बाय